अयोध्या में बने राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में गर्भगृह में रखी जाने वाली भगवान राम की मूर्ति का चयन कर लिया गया है। उससे पहले भगवान राम की तीन में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। गर्भगृह में स्थापित करने के लिए भगवान राम, सीता और हनुमान की मूर्ति को चुना गया है। इस मूर्ति को देश के फेमस मूर्तिकार अरुण योगिराज ने तराशा है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव अरुण योगिराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। भगवान राम की जो मूर्ति फाइनल की गई है, उसकी ललाट से पैर तक की लंबाई 51 इंच है। इस मूर्ति में श्रद्धालुओं को भगवान राम के 5 साल के बाल रूप के दर्शन होंगे। प्रतिमा में रामलला को खड़े अवस्था में दिखाया गया है। भगवान की ये मूर्ति श्याम रंग की है। रामलला के हाथ में तीर धनुष दिया गया है। मूर्ति का चयन जिन आधार पर किया गया, उनमें बालपन की झलक, सौंदर्य आकर्षण, रचनात्मक डिजाइन, विचार की गहराई, पत्थर की गुणवत्ता, मूर्ति की आयु, मूर्तिकार की प्रतिष्ठा प्रमुख है। दरअसल मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तीन मूर्तिकारों ने अलग अलग मूर्तियां बनाई हैं। एक मूर्ति गर्भगृह में, दूसरी पहले तल पर राम दरबार में और तीसरी मूर्ति द्वितीय तल पर स्थापित की जाएगी। मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी मैसूर के योगीराज, बेंगलुरु के जीएल भट्ट और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे को दी गई थी। गर्भगृह के लिए अरुण योगीराज की तराशी जिस मूर्ति का चयन किया गया है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि ये मूर्ति कर्नाटक के कृष्णशिला से बनी है। इस मूर्ति को बनाने में अरुण योगीराज को 6 महीने का वक्त लगा है। योगीराज का परिवार 5 पीढ़ी से मूर्ति बनाने के काम में लगा है। अरुण खुद 1000 से ज्यादा मूर्ति बना चुके हैं। अरुण ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई थी। इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी की मूर्ति भी अरुण ने ही बनाई है। इनके काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। श्री राम जन्मभूमि के भव्य देव मंदिर में 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त के 84 सेकंड में, यानी दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 के बीच रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसको लेकर अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।